ठीक, हम लोग अस्थमा का थ्रेप्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत सी मेडिसिन पार्ट वन में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे लैक्टोसा बिरोसा के बारे में। ये जो दवा है ओपियम जैसा है, इसको बहुत ज्यादा नींद आती है। ठीक है, ये क्या बोलता है अस्थमा के पेशेंट को कि डॉक्टर साहब मेरे सीने पे ऐसा लगता है एकदम से कितना भारी चीज रखा हुआ है। ठीक है, हैवी सेंसेशन होता है इसको चेस्ट रीजन पे, और साथ ही साथ ऐसा लगता है उसके वो कैक्टस वाला उसके लंग्स को उसके चेस्ट को कोई बांध दिया है। कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होती है इसको, तो कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग से आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन भारी सामान ऐसा लगता है कि एब्डोमेन पे चेस्ट पे भारी सामान रखा हुआ है। तो अस्थमा के केस में अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट हो और बोले चेस्ट रीजन में ऐसा लग रहा है कोई हैवी वेट रखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप सोचेंगे दवा। नेक्स्ट मेडिसिन है लॉरोसिरोसिस। लॉरोसिरोसिस एक बहुत ही अच्छी दवा है। ऐसा ना होता जो लोग गैप्स करते हैं, जैसे जैसे पकड़ लेते हैं सीने को, ठीक है, एकदम उनको स्टेथो लगाओगे एकदम वीजिंग वाला ही एकदम अजीब टाइप का, मैं निकाल नहीं पाऊंगा वो साउंड को, अजीब टाइप का साउंड निकलता है और इनका हेल्थ गिरता जा रहा है। ठीक है, लोरोसिरोसिस एक टॉप थ्री मेडिसिन में आ जाएगी कार्डियक अस्थमा की। अगर आपको लग रहा है कि अस्थमा की ओरिजिन जो है सांस फूलने का कारण हार्ट रीजन से है, तो आप एक दफा लॉरोसिरोसिस को जरूर रूल आउट करिएगा। ठीक है, दूसरा अगर लंग्स में पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस ऑफ लंग्स हो जाए, तब भी ऐसे कंडीशन में हम लोग लॉरोसिरोसिस को रूल आउट करते हैं। ठीक है, तो एक तो कार्डियक अस्थमा, कोई भी आपको जब पेशेंट आएगा तो कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड चीफ कंप्लेन बताएगा, इको वगैरह ईसीजी वगैरह करा के लाया रहेगा, उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी रहेगी। ठीक है, साथ में वो सांस फूल रहा होगा उस बंदे का, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लॉरोसिरोसिस को सोचते हैं, मतलब एक कार्डियक अस्थमा की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। पैरालिसिस ऑफ लंग्स बहुत कम पेशेंट मिलते हैं, लेकिन अगर कभी मिले तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसा अस्थमा होता है जिसमें बॉडी नीली पड़ जाती है, साइनोसिस हो जाती है। ठीक है, और बैठने पे इनकी दिक्कतें ज्यादा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हार्ट को पंप करना है, तो जब हाथ को कह लो या बैठते हैं तब, या फिर अपने हाथ को जब ये चेस्ट रीजन पे रखते हैं तब, ये अपने हाथ को चेस्ट रीजन पे नहीं रख सकते, खास करके लेफ्ट साइड यानी हार्ट रीजन के आसपास। अगर उधर ये रख लिए तो इनकी सांस ज्यादा फूलने लगेगी, खांसी ज्यादा आने लगेगी। ये दोनों कंप्लेंस खांसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो अस्थमा व्हेन पुटिंग द हैंड्स ऑन चेस्ट या हार्ट, और अस्थमा एग्रेवेटेड बाय सिटिंग अप। ठीक है, कोई भी थोड़ा सा भी काम कर देंगे तो एकदम से इनकी सांस फूलने लगेगी या फिर चेस्ट में पेन होने लगेगा। हो सकता है जो बलगम आ रहा हो उस बलगम में जो है खून मिल सकता है, ब्लड मिल सकता है। ठीक है, तो कोई भी हार्ट बीमारी हो उसके वजह से सांस फूल रही हो, उसके वजह से खांसी आ रहा हो, ठीक है, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो, कोई भी चीज हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग लॉरोसिरोसिस को सोचते हैं। ठीक है, तो कार्डियक पेशेंट में प्रिस्क्राइब होती है। अगली मेडिसिन है लेमना माइनर। लॉरोसिरोसिस सब लोग यूज किए होंगे, बाद में पूछ लेंगे हम लास्ट में। आपको पता है कि लेमना माइनर टॉप मेडिसिन है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की ये टॉप मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। पॉलिप की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं जाना चाहते हैं तो। बाकी MIF, काली नाइट्रिकम, TMB, सैंगोनेरिया नाइट्रिकम, ये सब भी पॉलिप में है। MIF आप पॉलिप में यूज करते हैं, काली नाइट्रिकम को आप यूज कर सकते हैं पॉलिप में, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल मिल जाए तो।
टिकुरियम वेरम वेरम भी यूज कर सकते हैं। एक वो सेंगुनेरिया नाइट्रिकम होता है, एक सेंगुनेरिया कैन होता है। ते नाइट्रिकम वाला, सेंगुनेरिकम नाइट्रिकम वाला, ये भी पॉलिप में बहुत अच्छा काम करती है। तो लेमना माइनर तो पहला चीज तो पॉलिप, अगर किसी को नाक बंद हो जाए और या पॉलिप के वजह से नाक बंद हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही, अस्थमेटिक हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लेमना माइनर सोचते हैं। एक तो इसका ये इंडिकेशन हो गया। दूसरा होता है एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट को होता है, नाक तो बंद ही रहेगा, नोज में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नोज ऑब्स्ट्रक्शन होगा और नाक के अंदर से बदबू सा महसूस होगा, ऑफेंसिव कुछ लगेगा इसको कि नाक के अंदर कुछ बदबू आ रहा है, उस तरह का लेमना माइनर के पेशेंट को महसूस होता है। तो स्मेल महसूस होता है, ठीक है, अजीब सा, और नेजल पॉलिप है, ठीक है, उसके वजह से सांस वगैरह अगर फूले तो आप सोच सकते हैं। लेमना माइनर भी बहुत यूज होती है, यूज क्या होती है, अब्यूज होती है। पॉलिप वगैरह वैसे थेरेपेटिकली एक बार काम कर ले जाता है, लेकिन ठीक करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ही देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लाटा, ये भी बहुत अच्छी दवाई है अस्थमा में। अस्थमा में इसका इंडिकेशन, पहला चीज तो इस सबसे ज्यादा यूज होती है कोई भी रिस्पायरेटरी ट्रबल हो, ठीक है, और उसके साथ नोजिया वोमिटिंग हो, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग हो विथ रिस्पायरेटरी के ट्रबल्स, ठीक है, यानी नोजिया वोमिटिंग में एक साथ बोल दें गैस्ट्रिक ट्रबल, तो कोई जीआईटी कंप्लेन हो साथ में उल्टी जैसा एहसास होता हो, नोजिया जैसा एहसास होता हो साथ में रिस्पायरेटरी ट्रबल हो, तो सबसे पहले हम लोग लोबेलिया को रूल आउट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इपिकॉक ऊपर बताया था, लेकिन इसमें नया एक कंप्लेन जोड़ लिया हम लोगों ने, जीआईटी ट्रबल। और भी इसकी चीजें हैं, जैसे कि अस्थमा जो है इसको आराम मिलता है नी एल्बो पोजिशन में, जब नी एल्बो पोजिशन में होता है तो इसके अस्थमा में आराम मिलता है, अस्थमा एमलेटेड बाई नी एल्बो पोजिशन, ठीक है। एपिकॉक से हम लोग इसको रूल आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से, एपिकॉक थ्रस्टलेस होता है, इसमें ऐसा सच नहीं है, ठीक है। तो स्लाइवेशन भी इसके अंदर है, लार बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है। तो नोजिया वोमिटिंग रिस्पायरेटरी ट्रबल हो और साथ में जीआईटी कंप्लेन हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लोबेलिया ट्राई कर सकते हैं। एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं बीच में, आज की क्लास में और पिछले लास्ट क्लास में अस्थमा की जितनी भी मेडिसिन में बता रहा हूँ, अभी आपका दायित्व तो बनता है कि आप ये सारी मेडिसिन को जाके पढ़ें, एटलीस्ट उसका रिस्पायरेटरी वाला तो चैप्टर पढ़े ही पढ़े। जैसे लोबेलिया है तो आप जाके देखिए कि लोबेलिया में रिस्पायरेटरी में डॉक्टर बोरिक, डॉक्टर क्लार्क क्या लिखे हैं, पूरी मेडिसिन पढ़ लीजिए, बोरिक में कितनी बड़ी मेडिसिन लिखी हुई है, दो पन्ने से ज्यादा कोई मेडिसिन। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़िए जाके इस मेडिसिन को, हम उसमें से कुछ पॉइंट का इंडिकेशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप जाके जब देखेंगे तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हाँ लोबेलिया रिस्पायरेटरी कंप्लेंस की अच्छी दवा है, कभी पेशेंट आए तो आप रूल आउट कर सकते हैं थोड़ी बहुत चीजें अगर याद रहेगी तो जाके जरूर पढ़िए इस मेडिसिन को। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ खास मेडिसिन को मैं टच कर रहा हूँ। लूफा में भी वही है लेमना माइनर की तरह, कि अस्थमा हो पेशेंट में, लूफा पर अस्थमा हो साथ में पेशेंट को पॉलिप हो, हम लोग लूफा को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लूफा वैसे भी दो जगहों पे सबसे ज्यादा यूज होती है, ये स्नोरिंग की वन ऑफ द टॉप मेडिसिन है, अगर किसी को खर्राटे आ रहे हो तो हम लोग लूफा क्यू में देते हैं, और दूसरा पॉलिप की ये टॉप मेडिसिन है, लेमना माइनर से ऊपर रखेंगे लूफा को, ठीक है। तो लूफा हो अस्थमा विथ पॉलिप। नेक्स्ट मेडिसिन है मेफाइटिस, मेफाइटिस मैं यूज किया हूँ। मेफाइटिस का सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है अस्थमा के पेशेंट को बाथिंग से, इवन खांसी में भी बाथिंग से, एकदम कोल्ड बाथिंग से, यूं बोलें ठंडे पानी में नहाने से आराम मिलता है। जितना पानी ठंडा उतना ही ज्यादा जो है इनको मजा आता है।
ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है क्योंकि जनरली ये नहीं मिलता है, तो मेफाइटिस से ही ठीक होगा। लेकिन कोल्ड पानी पीने से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठंडा पानी पी लेंगे तो अस्थमा या खांसी एग्रेवेट हो जाएगा। अगर कोई बोले खांसी या अस्थमा में कि नहाने से आराम मिलता है, साफ सबसे पहले मेफाइटिस को रूल आउट करिए। फिर कोई बोले कि अगर ठंडा पानी पी लें तो बढ़ जाए, तो फिर आप थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, मेफाइटिस ड्रंकर्स अस्थमा बोला जाता है इनको, और जो चूंकि जो लोग शराब पीते हैं वो खूब वो डाल के पीते हैं ना बर्फ, तो इससे इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और रात में ही ज्यादा तो लोग दारू पीते हैं, तो रात में एग्रेवेट भी कर जाता है, नाइट में एग्रेवेशन भी है मेफाइटिस का। लगभग 10 बजे के आसपास मेफाइटिस को अस्थमा का अटैक आता है, नाइट एग्रेवेशन 10 o'clock। ठीक है, अचानक से क्या होगा, जब ये पानी पीते हैं ना तो ग्लॉटिस में स्पाजम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके वजह से एकदम से ये सांस लेना शुरू कर जाते हैं, या फिर कुछ खाते हैं तो एकदम से लगता है कि ट्रैकिया में चला गया। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप जरूर सोचिएगा। ठीक है, तो दिन में इनको बहुत कम खांसी आती है, दिन में अस्थमा बहुत कम होता है, लेकिन रात में इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, और नहाने के बाद से जो है इनको आराम मिलता है, लेकिन ठंडा पानी पी लेंगे तो इनको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन नहाने के बाद से अगर अस्थमा एग्रेवेट हो जाए तो मॉस्कस को सबसे पहले रूल आउट करेंगे हम लोग। नहाने के बाद से अगर अस्थमा रूल आउट, अरे अस्थमा एग्रेवेट कर जाए तो ठीक। बाकी MIR मैंने बता ही दिया, लिख लीजिए। MIR अस्थमा में जब लेफ्ट साइड सोर थ्रोट हो, लेफ्ट साइड सोर थ्रोट हो या लेफ्ट से राइट जा रहा हो, तो उसमें तो हम लोग MIR यूज करते हैं, साथ में अगर अस्थमा का कंप्लेन है तब भी सोच सकते हैं। ठीक है, मर्कसोल है आपकी, मैंने बताया मर्कसोल आर्सेनिक की तरह काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली मर्कसोल आप पकड़ लेंगे, परस्पायरेशन, सलाइवेशन एंड ऑफेंसिवनेस ऑफ माउथ, थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी होगा। मर्कसोल ऐसे कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आर्सेनिक की तरह दे सकते हैं अस्थमा में, लेकिन बाद में फिर कुछ देना पड़ेगा, कुछ देने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है नाजा। कल जब मैं बोथ्रॉक्स बता रहा था तब मैंने नाजा भी बताया था। नाजा वीक हार्ट है पेशेंट में, और कार्डियक अस्थमा की ये भी एक लॉरोसिरोसिस की तरह बहुत अच्छी दवा है। इसका क्या खास बात है कि लीस्ट मोशन से भी ऐसा लगता है शरीर में एनर्जी ही नहीं है, मोशन से इनकी अस्थमा एग्रेवेट कर जाता है, एंजाइटी, अस्थमा, सॉरी अस्थमा जो है इनका क्या होता है, मोशन से एग्रेवेट कर जाता है। लेफ्ट साइड सोने से भी इनकी अस्थमा एग्रेवेट हो जाती है, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, कार्डियक अस्थमा एग्रेवेटेड बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नाजा सोचते हैं, कुछ स्नेक के कैरेक्टर रूल आउट कर लेंगे तो नाजा हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सबसे जो कॉलिंग है नाजा का यही है कि लिस्ट मोशन से एग्रीवेशन। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रम सल्फ, ये सब लोग देते होंगे, हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन की दवाई है नाइट्रम सल्फ। डैम्प वेदर में, डैम्प जगहों पे जाने पे अस्थमा एग्रेवेट हो जाए। ठीक है, लीवर के साथ कोई दिक्कत हो प्लस अस्थमा हो, सबसे पहले हम लोग रूल आउट करते हैं कहीं ये नाइट्रम सल्फ तो नहीं ना है। ग्रीफ के बाद से अगर किसी को अस्थमा हो रहा हो तो सबसे पहले नाइट्रम सल्फ को हम लोग रूल आउट करेंगे। दही पसंद है, लेकिन दही अगर खा लेंगे कर्ड, इनकी अस्थमा मतलब अस्थमा में कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो नाइट्रम सल्फ एक दफा आप रूल आउट कर सकते हैं, ठंडे मौसम में रहने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं।
वो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो उसमें, ठीक है। तो अस्थमा में तो मैं नाइट्रोसल बहुत भर दिया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली पकड़ता हूँ मैं। पैसिफ्लोरा आपको पता है नींद वाली दवा है, अस्थमा में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, किसी कोने में लिख दीजिए, जब सब फेल हो जाए तो आप एक दफा ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है र्यूमेक्स। र्यूमेक्स आप लोग कफ में यूज करते हैं, खांसी जब कपड़े चेंज करने से आए, अनकवरिंग से या चेंजिंग ऑफ द क्लोथ से, हम लोग सबसे पहले र्यूमेक्स रूल आउट करते हैं, ठीक है। गले में गुदगुदी सी लगती है इनको, लैरिंग्स वाले रीजन में, उसके वजह से खांसी आने लगता है, ठीक है। गले में ड्राइनेस होती है, ट्रैकिया में ड्राइनेस होती है, ठीक है। नहाने से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो खांसी हो या फिर अस्थमा का कंडीशन हो, कपड़ा खोलने से अगर अस्थमा एग्रेवेट हो रहा हो या फिर खांसी बढ़ जा रही हो, गले में टिंकलिंग हो रहा हो, गुदगुदी लग रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग र्यूमेक्स सोच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सम्बुकस। सर, ये टिंगलिंग के अलावा एक चीज और बताइए आप। गुदगुदी सी लगती है उसको गले में, है ना। पेशेंट बोलेगा कि उसमें कुछ अजीब सा लग रहा है, उसके वजह से खांसी आ रहा है, लेटने से भी खांसी बढ़ जाती है। रूमेक्स, रूमेक्स को कई दफा दिया गया है, खांसी में दिया गया, अस्थमा में ऐसा सच कम याद आती है। शंबुकस बच्चों में जाती है ज्यादातर, अस्थमा रात में अटैक आता है, अचानक से बच्चा सोया रहता है और अचानक से एकदम से रोने लगता है और पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, अचानक से एकदम से, ठीक है। नीला पड़ जाता है, फिर सो जाता है, फिर अटैक पड़ जाता है, फिर चिल्लाता है, घर वाले डर जाते हैं, नीली पड़ जाती है बॉडी, फिर सुलाते हैं उसे, फिर सोता है, फिर अटैक आ जाता है। इस सिम्टम में मैं सॉरी इस सिम्टम में सम्मुखस कईयों बार दिया होगा। एक्चुअली बच्चे का नाक जो है ना एकदम, मतलब इन्फेंट मान के चलो, मतलब विद इन 2 ईयर्स के बच्चों को जब ये अटैक आता है, ठीक है। बड़ों में भी सोच सकते हैं इस सिम्टम के साथ, लेकिन ग्रैंडेलिया वगैरह अभी मैंने ऊपर पढ़ाया लास्ट क्लास में, वो सब ज्यादा प्रिस्पर्ड हो जाती है। तो जैसे ही बच्चा सोता है, अचानक से उसकी नाक जाम हो जाती है, स्नफल्स हो जाते हैं, और फिर एकदम बच्चा चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, नीली पड़ जाती बॉडी घर वाले पर से, ऐसे कंडीशन में सम्बुकस हम लोग देते हैं। मुझे याद है एक 6 साल का बच्चा था, मेरा केस है, उसको इसी तरह के अटैक पड़ते थे, डेली नहीं पड़ते थे लेकिन हफ्ते में मतलब 2-3 बार तो पड़ ही जाते थे। वो काफी दवा मतलब चला चुके थे लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। मुझे जब सिम्टम मिला, मैं सोचा केस लूं या सम्बुकस दूं, केस लूं या सम्बुकस दूं, फिर मैंने नीला वाला सिम्टम, उन्होंने कहा कि मतलब कुछ पार्ट नीले भी पड़ जाते हैं लिप्स वगैरह वाले एरियाज में, तो बोले हाँ थोड़ा बहुत तो हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है बड़े। फिर मैंने सम्मुखस 30 पानी में घोल के, फिर जब से दिया अटैक नहीं आया, फिर लास्ट में एक डोज सल्फर दे के क्लोज कर दिया। तो सम्मुखस अच्छी दवा है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है सिनेगा। सिनेगा ओल्ड पीपुल में, अगर आपको पता है कि रैटलिंग कफ हो ओल्ड पीपुल में, तो 2 दवाइयाँ सबसे पहले हम लोग कल बताए थे, 3 दवाइयाँ इवन हो गई, एक तो अमोनियकम, एक हिपोजोनियम और नेक्स्ट जो है सिनेगा है। तो ओल्ड पीपुल में रैटलिंग कफ हो अगर, एंटीम टार्ड भी आ जाएगी इसमें, ओल्ड पीपुल में रैटलिंग कफ हो अगर, तो अमोनियकम, हिपोजोनियम, एंटीम टार्ड और सिनेगा। अगर ओल्ड पीपुल में अस्थमा हो, सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग सेनेगा दे सकते हैं। इतना ज्यादा बलगम रहता है इसका कि सांस ही नहीं ले पाता है, और बलगम निकालने की कोशिश करता है ना, निकलता भी नहीं है, ठीक है। शुरू में एकदम से होता है, पहले शुरू में सूखी खांसी आती है, फिर एकदम से बलगम बन जाता है, फिर धीरे धीरे लूज होता है, म्यूकस बहुत ज्यादा जो है बना रहता है इसके अंदर। तो बेसिकली ये ओल्ड एज की खांसी में जो है हम लोग इसको ट्राई करते हैं। रैटलिंग कफ हो ओल्ड एज में हो तो फिर हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन एस्टेनम मेट। एस्टेनम मेट भी अच्छी दवा है खांसी के लिए और अस्थमा के लिए।
एक्यूट और क्रोनिक अस्थमा में दोनों में यूज हो सकती है, एक्यूट कफ में भी यूज हो सकती है, क्रोनिक कफ में भी, और टीबी में भी इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि स्टेनम में क्या होता है कि चेस्ट में पेन होता है और चेस्ट में वीकनेस महसूस होती है, चेस्ट में भारीपन करें, चेस्ट में पेन होता है और चेस्ट रीजन में ही वीकनेस महसूस होती है। वो खांसते खांसते जो सीने को पकड़ लेते हैं ना, चेस्ट को पकड़ लेते हैं, वो जनरली स्टेनम होते हैं। ठीक है, बोलने में भी दिक्कत होती है, मतलब स्टेनम तभी आप देंगे जब तक वीकनेस नहीं मिलेगी, अगर वीकनेस नहीं है तो नहीं देंगे। लंग्स में इतना वीकनेस महसूस होता है चेस्ट रीजन में, बोलने बोलने में भी उसे वीकनेस आती है, इतना ज्यादा है। ठीक है, और बलगम बहुत आसानी से निकलता है, इजी एक्सपेक्टोरेशन। ठीक है, तो इजी एक्सपेक्टोरेशन हो और खांसते खांसते जब सीना कोई पकड़ लेता है, इस सिम्टम पे स्टेनमेंट में कई दफा दिया हूं, खांसते खांसते सीना पकड़ लेना, उसमें दर्द होने लगता है, चेस्ट में वीकनेस होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सोचते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा भी टॉप मेडिसिन है, ठीक है, अस्थमा की, छोटे बच्चों की भी टॉप मेडिसिन है। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली पकड़ लेंगे, सॉल्ट डिजायर, वॉमिटिंग डिजायर, टी डिजायर, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, ड्रीम्स ऑफ जर्निंग, ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, ओनियन डिजायर, एवर्जन, चिली पेशेंट हो, ठीक है, परस्पिरेशन ऑन अनकवर्ड पैड, वो सब मैं थूजा में पढ़ा चुका हूँ, नहीं भी पढ़ाया होगा तो पढ़ लीजिएगा, वो सब लिखने की जरूरत है। थूजा लिख दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब होती है, बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम भी अस्थमा में यूज होती है, ठीक है, अस्थमा में ऐसा लगे पेशेंट कोलैप्स कर जाए, ताकि आपको पता ना वेरेट्रम एल्बम में जो कोलरा लाइक सिम्टम होता है, कोलरा लाइक सिम्टम, उसमें भी पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, ऐसा अस्थमा लगता है पेशेंट अब बचेगा नहीं, ठीक है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, कोलैप्स वाले कंडीशन में चला जाता है जब पेशेंट, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में वेरेट्रम एल्बम को सोचते हैं। ठीक है, तो अस्थमा जो है कोलैप्स हो रहा है ऐसा लगता है, गर्म चीजें पीने से इसको आराम मिलती है, लेकिन डिजायर होती है ठंडी चीजें वेरेट्रम को। वेरेट्रम मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं पढ़ा है, पढ़ा दूंगा मैं, डिजायर होती है कोल्ड ड्रिंक की, वेरेट्रम को आइस पसंद है, लेकिन आइस खाएगा तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैं अस्थमा की स्पेसिफिक अस्थमा की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज और कहीं मत लेके जाइएगा, तो अस्थमा में अगर ये आइस खा लेगा तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाएगी, गर्म पानी पिएगा तो इससे आराम मिलेगी। तो वेरेट्रम भी कॉन्स्टिट्यूशनली मोस्ट ऑफ द केस में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब होती है, थोड़ा कम प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन थूजा हम आपको बता दें कि अगर हॉट थूजा हो तो क्यूप्रेसस भी आप सोच सकते हैं, क्यूप्रेसस भी अस्थमा में अच्छी दवाई है, अगर आपको लग रहा है पेशेंट थूजा हो लेकिन थर्मल हॉट हो। मोटा मोटा कुछ लोग सोच रहे होंगे, बताई दीजिए, मोटा मोटा थूजा की चाबी ये है पकड़ने की कि खाने पीने में इनको साल्ट पसंद होगा, टी डिजायर होगी, डिजायर या फिर एवर्जन होगा, एवर्जन कह लीजिए या एग्रेवेशन ओनियन, दोनों मिल सकता है। हम लोग इसको पकड़ते हैं ड्रीम से, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग या ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, उड़ने के सपने या गिरने के सपने आते हैं, ठीक है, और थर्मल चिली हो, बाकी आप लोग जो भी मिला लीजिए, जो भी वो सब ठीक है। इतने चीजों से अगर आप रिपर्टाइज करोगे या फिर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा मटेरियल का, तो आप पूजा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो थूजा भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। तो हम आपको फिर से बता दें कि जितने भी मेडिसिन बताई गई है, इसके आप जाके इन मेडिसिन को हम नहीं कह रहे एक ही दिन पहाड़ उठा लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके इनके रेस्पिरेटरी सेक्शन को देखिए, कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर लीजिए, पहली बात। दूसरी चीज कि अस्थमा को ठीक करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनली भी हिट करना होगा। हाँ, आपने कॉन्स्टिट्यूशनली दिया, सही चल रहा था, बीच में एग्रेवेट कर गया, अब आप उस वक्त क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो दोगे नहीं, या रिपीट नहीं करोगे, रिपीट से बचोगे, या फिर बढ़ रहा था अचानक से कोई ऐसा फैक्टर आया जो एग्रेवेट कर गया, तो आप इन मेडिसिनों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर आप डायरेक्टली इन मेडिसिनों को यूज कर रहे हैं तो बाद में आपको कोई एंटीसोरिक मेडिसिन देनी होगी। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे टॉप मेडिसिन, मैं फिर से एक बार बता दूं, नाइट्रम सल्फ, पूजा, आर्सेनिक ग्रुप, ये मेडिसिन सबसे ज्यादा ऊपर पे है।
ठीक है, तो बस अस्थमा में बस इतना ही, काफी मेडिसिन हो गई होंगी, मुझे लग रहा है 30-35 मेडिसिन हो गई होगी, अगर इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके अस्थमा केस निकल जाएंगे। बाकी आपके पास रिपर्टरी है, आप जब रिस्पायरेटरी अस्थमा में डालेंगे तो आपको बहुत सारे 200 से प्लस रूब्रिक्स मिलेंगे, तो आप बड़े आसानी से वहां जाके आप देख सकते हैं फ्राइड के बाद से, ठंडे बाद से, दिक्कतें मोडलिटीज के साथ, वो सारी चीजें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने उनमें से कुछ स्पेसिफिक दवाओं के बारे में बताया है, ठीक है।